never trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज होने वाला है एक ट्रैकिंग ब्लॉग, क्योंकि आज हम लोग ट्रैक करने वाले हैं ज़ुको वैली, जो कि है नागालैंड पे। सो हाँ, तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं होम स्टे में और बज रहे 6:20 और समथिंग 6:18 बज रहे। हम लोग को 6:30 को हम लोग का ब्रेकफास्ट है होम स्टे में, तो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम लोग ट्रैकिंग पॉइंट तक जाएंगे। वो आई थिंक सो 1 आवर ड्राइव होगा, वो 7 o'clock में हम लोग का पिकअप करने आएगा, मीन्स गाड़ी या तो कुछ भी, बस या तो ट्रेवलर, क्योंकि हम लोग बहुत जन हैं। और फिर वहाँ से हम लोग को ट्रैकिंग पॉइंट तक लेके जाएगा, फिर ट्रैकिंग पॉइंट से हम लोग का 3 आवर्स का ट्रैक रहेगा। सो ये हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ट्रैकिंग का, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है, लेकिन किया है, जस्ट 1 आवर ट्रैक किया नॉर्मल, लेकिन ये वाला थोड़ा लंबा है, 3 आवर्स ट्रैक। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अभी बहुत एक्साइटमेंट है। सो पहले नीचे चलते हैं, नीचे आके ब्रेकफास्ट करके फिर बात करते हैं आगे का क्या है क्या नहीं। आज का भी बहुत मीन्स ज़्यादा सनी डे है, मीन्स पूरा हर सनलाइट है। यहाँ पे बहुत सारे पपीज है, पपी है। और भी है, और यहाँ का व्यू हम लोग का होम स्टे पूरा पूरी मीन्स माउंटेन के बीच में है, और यहाँ पे बैक साइड में पूरा पूरी एरिया में ये कुछ तो माउंटेन हार्वेस्टिंग जैसा कुछ है, मीन्स फार्मिंग होता है पूरा ये रहा प्लेस। अभी तो फ़िलहाल हम लोग को अभी ब्रेकफास्ट करना है, अभी टाइम इट्स 6:40 और 20 मिनट्स के बाद धूप और 20 मिनट्स के बाद हम लोग निकल जाएंगे। एक्चुअली सब लोग रेडी हो चुके हैं, बहुत जन ब्रेकफास्ट कर भी लिया है, हम लोग को ही थोड़ा लेट हो गया। सो जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रहा है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग को लंच आई थिंक सो 2 बजे या तो 1:30 ऐसा टाइम में हम लोग को मीन्स लंच करने मिलेगा। सो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। सो अभी हम लोग को ट्रैकिंग पॉइंट तक जाना है, तो हम लोग ऐसा मीन्स टो ट्रक टाइप का मीन्स ट्रक में जा रहे हैं, तो सब लोग यहाँ पे हैं बैक साइड में। सो यहाँ से हम लोग को ऐसे खड़ा होकर जाना है, या तो बैठ के भी जा सकते, पता नहीं। हम लोग को अभी यहाँ से 1 आवर लगेगा ट्रैक तक जाने के लिए, तो वहाँ पे जाके फिर बाकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा रोड अभी ऑफ रोड टाइप का आएगा, फिर मीन्स खड़ा रहने में पॉसिबल नहीं होगा। फिर तो फाइनली हम लोग जो ट्रैकिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए, ये रहा गाड़ी सब रखा हुआ है, और सब लोग ऊपर जा रहे हैं अभी। और आते टाइम मीन्स हम लोग को जो ऑफ रोड मिला ना, मीन्स पैर दर्द कर रहे हैं अभी, और ऐसे भी यहाँ पे खड़ा होके आना था तो बैंड बज गया। तो अभी से यहाँ से हम लोग ट्रैक करते हुए ऊपर तक जाएंगे। सो चलते हैं।
अलग अलग से होगा। सो अभी हम लोग का ट्रैक स्टार्ट हो गया, तो हम लोग को आई थिंक सो टोटल 1 आवर या तो 2 आवर 3 आवर 3 आवर 3 आवर्स का ट्रैक हो। सो यहाँ पे पूरा ऑफ रोड है, मीन्स कुछ भी अच्छा नहीं, उबड़ खाबड़ है एकदम, थोड़ा भी अच्छा रोड नहीं है। ये तो इसका सांस फुल नहीं रहा है तो भी फुल रहा है, मीन्स इसको देखो कुछ नहीं लेके, बाकी सब लोग जितना भी ग्रुप में सब लोग के पास बैग है, और इसका लगेज मैंने कैरी किया है, 2-3 बैग। एक बार दिखा मुझको, खुद का वो है डिसीजन। ऑब्वियसली इतना बॉडी रखने का क्या फ़ायदा, अगर अच्छे से कुछ कैरी ना कर पाए तो थोड़ा तो फ्री एंड होना चाहिए ना। ओके गाइस कुछ नहीं, 2 साल का जितना भी फर्स्ट फूड था सब निकल जाएगा, आज फैट बर्न करने वाले बहुत खा लिया तुम और नहीं। ओके गाइस हम लोग ऊपर मिलते हैं, नहीं ऊपर नहीं और थोड़ा आगे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? विगन। हाँ केवी। केवी यस ओके। तो हम लोग ने जस्ट स्टार्ट किया, लाइक 5 मिनट भी अच्छे से नहीं हुआ और खत्म, सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है। 3 घंटे का ट्रैक नहीं है गाइस, 4 घंटा अभी बहुत है, अभी तक जस्ट हो जाएगा हम लोग का, अभी जस्ट 5 मिनट स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत है, और एक तो बहुत ऑफ रोड है और मैंने गलती से गलत जूता पहन लिया। लेकिन गाइस हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा रुक के और पानी पी पी के जाने से, पानी भी हम लोग के पास ज्यादा नहीं है, और एक बोतल ही, पानी भी ज्यादा होता वॉशरूम अभी तो अवेलेबल है ही नहीं, और ऊपर तो से पानी लेके आना, कैरी करना और थोड़ा वेट ज्यादा हो जाता ना। हम लोग ने सिर्फ 1/2 लीटर पानी फिल किया है, बाकी हम लोग डायरेक्ट ऊपर जाके, ऊपर में अवेलेबल पानी मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, एबंडेंट फॉरेस्ट, वॉशरूम कुछ नहीं है, जस्ट तुम ट्रैक करो अपना जगह पे जाओ, और जो तुमने ट्रैक करके जो मेहनत किया है ये कैसे बोल रहे हैं पता नहीं, हम बोल नहीं पाए, एडमायर करो जुको वैली में जाके। पिन पॉइंट हाँ, क्लाइम करना है 1 किलोमीटर आफ्टर दैट इट विल बी क्लाइम नाउ। सो यू गाइस फ्रॉम वेयर? वी आर फ्रॉम सिंचिया। मुझसे हो ही नहीं रहा एक्चुअली, रिको भी अच्छा खासा ऊपर चला गया, वो भी विथ बैग, मेरे पास बस गिम्बल है और मेरा पाउच है। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि बैग बहुत हैवी है सबका। सो यस ओके, 1 किलोमीटर स्टेप्स है, 1 किलोमीटर हाउ मेनी स्टेप्स आफ्टर दैट? इफ 1000 1 किलोमीटर स्टेप्स है, उसके बाद शायद 1 किलोमीटर पूरा स्टेप्स, 3000 steps, 1 किलोमीटर 3000 steps, जितना सके लगेज कम लीजिए। सो यहाँ से 1 किलोमीटर स्टेप्स है, उसके बाद थोड़ा प्लेन रोड मिलेगा, उसके बाद फिर से इंक्लाइन रोड। सो गाइस 1 किलोमीटर 3000 steps, जितना सके लगेज कम लीजिए, देन यू कैन लुक लास्ट आई मीन 1500 ये प्रॉपर स्टेप्स भी नहीं है गाइस, ये जस्ट पत्थर से रखा है, मतलब पत्थर सब, और मुझे पता है रिको का क्या, हाउ यू फीलिंग? आई एम इन हेवन, तो बोल भी नहीं सकते इतना, नहीं हम हेवन पहुंच गए। रिस्की है दादा, कांचनजंगा बेस कैंप कोड से नहीं सेफ, हां थोड़ा बहुत रिस्की है। सुरंजन तेरा क्या नेचुरल बैक, इट्स एक्सट्रीम
बहुत मुश्किल मोटिवेटिंग ही चलो ताकि पहुंच जाए जोर से बोलो जय माता जी लग रहा है वैसे ही माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग अभी सो हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट तक आ चुके हैं अरे धूप ही धूप धूप हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तक आ चुके हैं जो लोग पहले आए थे उन लोग फिर से ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ का व्यू आप लोग देख सकते हैं लिटरली मीन्स जो क्लाउड्स है वो हम लोग के नीचे है तो अभी नहीं, थोड़ा और अभी तो बहुत बाकी है अभी तो 50% जस्ट कम्प्लीट हुआ है मोर टू गो Let's go. So guys, we are heading to the next stop, which is more 50 minutes, means 50% left, means almost 1 kilometer, not 1 kilometer. Yeah. And we have to complete more 7 kilometers to the main Zuku Valley. Okay guys, let's go. इतना देर का मेहनत रंग लाया जो है ये व्यू मींस टॉप ऑफ द माउंटेन स्टिल नॉट अभी भी है लेकिन गाइस व्यू चेक करो यार फिर से ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया है अभी हम लोग थोड़ा और जो ये मीन्स मेन जुको वैली अभी तक आया नहीं है ये और वे टू द जुको वैली है अभी आई थिंक सो और 7 किलोमीटर बाकी है और यहाँ पे मीन्स पूरा बादल हम लोग के सामने है एकदम चिल वाला सीन होके रखा है एकदम हाँ ये थोड़ा वेट ले लिया है क्योंकि हम मुझसे सका नहीं जा रहे क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है तो डिहाइड्रेट बहुत हो रहा है प्यास लग रहा है एनर्जी थोड़ा भी नहीं है लेकिन हम लोग का ब्रेकफास्ट बहुत एनर्जेटिक था कुछ नहीं था गाइस एक बॉयल्ड अंडा था एक केला था और एक ब्रेड था बस चलो चलते और थोड़ा ज़्यादा चाहिए था दिल मांगे मोड The clouds are nearby us. Actually, camera justice नहीं कर पा रहे Actually, यहाँ पे clouds सब जा रहे हैं यहाँ से उस तरफ So, ये रहा और अभी रोज कहाँ बैठा है अभी उबड़ खबड़ नहीं है जस्ट थोड़ा स्ट्रेट रोड है थोड़ा इंक्लाइन रोड है रोड क्या है ये तो जस्ट ट्रैकिंग करने के लिए एक पाथ बना के रखा है रोड तो नहीं बोल सकते और वाटरफॉल का भी आवाज आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वाटरफॉल है या नहीं नीचे में क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है बहुत नीचे ओके सो सम गाइस आर डाउन ऑलरेडी और ये रहा क्लाउड सब जा रहे हैं इस तरफ से इधर फिर से डिफिकल्ट नीचे उतरना अब ज्यादा डिफिकल्ट हाँ क्योंकि ऑलरेडी पैर दर्द कर रहे हैं तो अभी चढ़ने से ज्यादा उतरने में डिफिकल्टी है कोई नहीं कोशिश करते हैं उतरने के बाद देखिए यहाँ से उतरेगा फिर वहाँ जाके फिर से हम लोग को चढ़ना पड़ेगा यहाँ तक सो या बट द व्यू इज मीन्स ऑसम
गाइस वी डोंट नो मींस हम लोग सही रास्ता जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम लोग पानी भराने के लिए रुके थे और सब लोग चला गया था। मीन्स हम लोग के पीछे बहुत जाने, लेकिन उन लोग बहुत ही पीछे और हम लोग बीच में हैं, अटक गया क्योंकि ना आगे कोई है एक्चुअली वहाँ पे ना पीछे कोई है, तो वही बात है। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और कम से कम 6 किलोमीटर जैसा है अभी भी। वैसे ज़ुको वैली जो हम लोग ने व्यू देखा तो वैसा आ गया ही है, दिख तो पूरा वैसे ही है ज़ुको वैली। तो चलते हैं और आगे। सो गाइस जो यहाँ का रोड मीन्स जो पाथ है जहाँ से हम लोग चल के जा रहे हैं वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये आपको खास दिख रहा होगा लेकिन नीचे पूरा खाई है नीचे तक माउंटेन का। मतलब ऊबड़ खाबड़ पतला है बहुत, अभी तो भी ठीक है, मतलब 1% के लिए मीन्स एक जन एक बार जा सकता है, वैसा टाइप का रोड है, बहुत ही पतला। ये स्लीपिंग बैग एकदम घटिया, मैंने सोचा था ये बहुत इजी है, क्या ही होगा स्लीपिंग बैग। देखिए नीचे कितना वो है, डीप है। डेस्टिनेशन दिख रहा है आंखों से, या ज्यादा दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे। मेरे पास दो स्लीपिंग बैग था जो मुझे नहीं हो रहा था कैरी करने के लिए, तो पीछे दो गाइड, एक्चुअली हम लोग के पास मतलब हम लोग के साथ चार गाइड है और चारों गाइड बहुत अच्छा है, सब बहुत हेल्पफुल है। सब ने पूछा कि कैरी कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं, और मुझसे उन लोग के पास खुद का बैग है वो भी बहुत हैवी हैवी। एक्चुअली उन लोग का हैबिट भी है, हम लोग तो उतना प्रैक्टिस नहीं करते है ना ये सब वर्कआउट का। कैमरा पकड़ो, नहीं होगा तो, जम, जम, तो उसने उसने मुझसे मेरा स्लिप दो स्लीपिंग बैग ले लिया, दो गाइड था मेरा और रिको का स्लीपिंग बैग उसने ले लिया। सो अभी मैं फिर से फ्री हैंड हो गई, फिर भी रिको के पास सामान है। और हाँ हम लोग कैमरे से इसलिए व्लॉग नहीं कर रहे क्योंकि चार्ज खत्म एक बैटरी का और एक है, लेकिन हम लोग वो वहाँ पे जाके चेंज करेंगे क्योंकि बैग में है। रास्ता ना बहुत छोटा है सो थोड़ा रिस्की है, मतलब थोड़ा सा भी पैर डिसलोकेट हुआ नीचे मुंह में ऐसे पत्ता घुस जा रहा है, तो थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हुआ और डायरेक्ट नीचे, कुछ चांस नहीं है यहाँ पे बचने का। सो बहुत खुजली होने वाला है। और रिको ये ना सच में बहुत क्या मुझसे बोला नहीं जा रहा, तुम बोलो। ए जाने दो रे गाइस, हम लोग चलते हैं। ये पकड़ो पकड़ो भाई, मिलते हैं 1 साल के बाद। एक्चुअली यहाँ पे जो भी मीन्स आना चाहते हैं आइए, लेकिन हाँ ट्रैकिंग करना थोड़ा बहुत मुश्किल है फर्स्ट हाँ, अगर पहला बार कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर एक बार ऊपर तक आ गया और व्यू देख लिया ना तो भाई व्यू का मजा लेते लेते। चलो आई विल नेम दिस व्लॉग क्लाइम टू हेवन और ट्रैक टू द हेवन। ओह यार अभी तक हम लोग ने ऐसा छोटा बड़ा पहाड़ जो है वैसा हम लोग ने कम से कम 9 to 8 माउंटेन्स हम लोग ने क्लाइम करके आए हैं। सोचो गाइस मैं कभी बिलीव नहीं कर पाऊंगा कि मैंने माउंटेन क्लाइम किया, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा क्लाइंबिंग होगा, मीन्स क्लाइंबिंग नॉट इट्स ट्रैक, मीन्स कभी ऐसा माउंटेन ट्रैकिंग होगा सोचा नहीं था। सो चलते हैं आगे। फाइनली हम लोग कैंप साइट पहुंच गए, ये रहा पीछे कैंप्स, ये रहा। और नहीं सक रहे अभी, सोच रहे थोड़ा रेस्ट करके लंच करने के बाद ही फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं लंच के बाद। Oh, oh, oh.
सो हम लोग को एकदम फ्रंट व्यू में हम लोग को कैंप मिल गया। ये रहा हम लोग का टेंट आज का रात के लिए, जस्ट फॉर टू पीपल। बड़ा टेंट भी है यहाँ पे जो है थ्री पीपल के लिए, फोर पीपल के लिए। सो अभी लंच करना बाकी है, कर लेते हैं। तो हम लोग का लंच तो पूरा कंप्लीट हो गया और सब लोग यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे हैं पीछे बैठ के। टेंट भी सारा मीन्स सेटअप हो चुका है और अभी आप लोग को मीन्स मेन व्यू दिखाता है, क्योंकि इतना देर से तो कुछ दिखाया नहीं, अभी दिखाता है कि हाँ कौन सा व्यू है।